Hello Leos, welcome to Guru Mind Channel और ये रीडिंग है 12th of December से लेके 18th of December तक की। तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए इस वीक में क्या मैसेजेस हैं। मैसेजेस फॉर लियोस। लॉर्ड ऑफ नाइट्स, The Hanged Man, Judgment, The Emperor, Five of Skulls, and Ten of Grades. Okay. तो हमारे पास है लॉर्ड ऑफ नाइव्स। लॉर्ड ऑफ नाइव्स के होने का मतलब है कि कोई आपको खोने से डर रहा है। ओके, हालांकि आप एक ऑप्शन की तरह ट्रीट किए जा रहे हो सकते हैं, हो सकता है आपको एक ऑप्शन की तरह फील हो रहा हो, पर सच ये है कि ये पर्सन आपको लूज नहीं कर सकता। और आप ये सोच रहे हैं कि आप किसी तरीके से इस रिलेशनशिप में बने हुए हैं, अदरवाइज ये पर्सन तो बहुत पहले ही इस रिलेशनशिप को छोड़ चुका होता। अगर इन पे छोड़ा जाता फैसला कोई भी, तो ये शायद बहुत पहले गिव अप कर देते एंड आप सेक्रीफाइसेस कर करके अपने इस कनेक्शन को बचा रहे हैं, अपने इस लव को बचा रहे हैं। पर सच ये है कि ये पर्सन सिर्फ आपको इस माइंडसेट में रखे हुए है। आई मीन ये पर्सन जितना आपके लिए ज़रूरी है उससे कहीं ज़्यादा आप इनके लिए ज़रूरी हैं। फाइव ऑफ स्कल्स किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन के भी बारे में हो सकती है। हो सकता है कि ये पर्सन किसी और में इंटरेस्ट शो कर रहा हो आजकल, या किसी और को भी एक लवर की तरह ट्रीट कर रहा है। हालांकि हो सकता है ये पर्सन आपसे यही कह रहा हो कि ये सिर्फ एक फ्रेंडशिप है, बट आप किसी चीज़ से अनकंफर्टेबल हो सकते हैं। आपको लग सकता है कि ये फ्रेंडशिप की बाउंड्रीज क्रॉस हो रही हैं और आपको एक ऑप्शन की तरह ये पर्सन ट्रीट कर सकता है, इनसिक्योर फील करवा सकता है। और आपको ये लग सकता है कि इन्हें इस रिलेशनशिप को बचाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि इनके पास कोई और है या कुछ और ऑप्शन है। पर सच ये है कि ये पर्सन आपको जाने नहीं दे सकता। ओके, आपके होने से ही इस पर्सन को ये फील होता है कि ये स्पेशल है। आपके होने से ही इस पर्सन को ये फील होता है कि इनकी कोई वैल्यू है, तो ये पर्सन आपको जाने नहीं देगा। अगर आप अपने लिए स्टैंड करते हैं, आप खुद को बचाते हैं इस तरह की नेगेटिविटी से, अगर आप बाउंड्रीज ड्रॉ करते हैं या अपने मन की बात कहते हैं कि आपको ये जो कनेक्शन है वो पसंद नहीं, हो सकता है कि पर्सन आपसे कहे कि आप ओवरथिंक कर रहे हैं या कुछ और, या आप अगर नहीं चाहते तो आप इस रिलेशनशिप को तोड़ सकते हैं, आप ब्रेकअप कर सकते हैं। कहने को ये कुछ भी कहें, लॉर्ड ऑफ नाइट्स के साथ ये पर्सन वापस आपको ज़रूर अप्रोच करेगा। ओके, एंड चाहे इन्होंने आपसे जो भी कहा हो, वो बात सीरियस नहीं है, क्योंकि इनकी जो वैलिडेशन है वो आपसे आती है, एंड आपके जाने का मतलब है कि इनकी वैलिडेशन भी वहीं पे ख़त्म हो जाएगी। टेन ऑफ ग्रेल्स का कार्ड है। टेन ऑफ ग्रेल्स के साथ ये पर्सन शायद किसी तरीके की चीज़ से एडिक्टेड हो सकता है। ये लस्ट और किसी और तरीके के एडिक्शन के बारे में भी हो सकता है, जिसके कारण इनका बिहेवियर बिल्कुल चेंज हो जाता है या हो गया है, और ये डिस्ट्रैक्ट हो गए हैं। आजकल दूसरी दुनिया में रहते हैं। ये एक टेम्प्रोरी चीज़ है। ओके, एंड इस ख्वाब से ये पर्सन जल्दी ही बाहर आएगा। जजमेंट के साथ डेफिनेटली ये पर्सन आपको कह सकता है कि आप इन्हें जज कर रहे हैं, आप इन्हें गलत समझ रहे हैं, या आप इन्हें बिना बात के टोक रहे हैं, इनकी कोई गलती नहीं है। बट द एम्परर कार्ड के होने का मतलब है कि यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि जो आपको सही लगता है आप वो कहिए। अगर आप कहीं कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे तो सिचुएशन से दूर जाना कोई गलत फैसला नहीं है। हालांकि ये पर्सन आपको ये फील करवा सकता है कि वो आपके लिए सब कुछ करते आए जो उन्हें करना चाहिए था, और फिर भी आप उनके साथ ऐसा कर रहे हैं। द हैंगमैन आपसे कह रहा है कि अपने इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। अगर आपको लगता है कि ये पर्सन आपको
यू ही ट्रीट करता रहेगा। तो फिर इस सिचुएशन को यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए, ओके। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप खुद को इस नेगेटिविटी से दूर करें और कोई हेस्टी डिसीजन ना लें इस पॉइंट पे। हेस्टी से मतलब कि जल्दबाजी में आप कुछ ऐसा मत कहिए जो शायद आप कहना नहीं चाहते, ओके। आई मीन यहाँ पे ये पर्सन आपसे कुछ बुलवा सकता है या ट्रिगर कर सकता है, आप आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं, बट इस आर्ग्यूमेंट का कोई मतलब नहीं निकलेगा क्योंकि आप फिर से उसी पॉइंट पे आ जाएंगे। तो यूनिवर्स बेसिकली आपसे ये कह रहा है कि आप अपनी एनर्जीज को बचा के रखिए, ऐसी कोई चीज मत कहिए जिससे आपको लगे कि अननेसेसरी थी। आप खुद के मेंटल पीस के बारे में सोचिए एंड इस सिचुएशन से खुद को दूर कर लीजिए। इस वक्त कोई जजमेंट करने की जरूरत ही नहीं आपको, ओके, क्योंकि यूनिवर्स आपको कंट्रोल कर रहा है। एंड अपने इंट्यूशन को सुनिए, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो 2023 के फर्स्ट क्वार्टर और सेकेंड क्वार्टर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। हो सकता है कि आपको मेरे बैकग्राउंड से थोड़ी म्यूजिक सुनाई दे, वो एक्चुअली मेरे नेबरहुड में कोई शादी है तो उसे प्लीज इग्नोर कीजिए। हालांकि बहुत डिस्टर्बिंग नहीं होनी चाहिए, देखते हैं। एस ऑफ फैक्टर्स, डॉटर ऑफ नाइव्स, सिक्स ऑफ नाइव्स, सिक्स ऑफ स्कल्स, ओके। तो यहाँ पे हमारे पास है डॉटर ऑफ नाइव्स। डॉटर ऑफ नाइव्स आपसे कह रही है कि खुद को प्रोटेक्ट कीजिए, ओके, एंड खुद को बिल्कुल भी इग्नोर करने की जरूरत नहीं, अपने इंट्यूशन को, अपने डाउट्स को इग्नोर करने की जरूरत नहीं। अपने डाउट्स और इंट्यूशन के बारे में इस पर्सन से डिस्कस कीजिए कि आपको क्या अच्छा नहीं लग रहा। अगर आपको लगता है कि ये पर्सन आपको एक ऑप्शन की तरफ फील करवा रहा है, आपका वर्थ नहीं आपको मिल रहा, तो वो भी आप इस पर्सन को बताइए कि ये चीजें आपको पसंद नहीं है। सिक्स ऑफ नाइव्स के साथ यू नो हो सकता है कि ये पर्सन बिल्कुल साइलेंट हो इस वीक में, कुछ भी आपसे कहे ना या कुछ भी रिएक्ट ना करे आपकी चॉइसेस पे। एंड आपको लग सकता है कि यू नो ये स्टोरी ओवर हो गई है, पर ऐसा नहीं है। ये पर्सन डेस्परेट है। लॉर्ड ऑफ नाइव्स के साथ ये फिर से कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करेंगे जो आपको सरप्राइज करेगा, क्योंकि सिक्स ऑफ स्कल्स का भी कार्ड यहाँ पे है। हो सकता है कुछ देर साइलेंस रहे, लेकिन उसके बाद फिर ये पर्सन आपसे किसी तरीके की मदद मांग सकता है, किसी तरीके की हेल्प मांग सकता है, और ये एक ऐसी चीज है जो ये इग्नोर नहीं कर सकते अपनी फीलिंग्स आपके लिए। और डेफिनेटली इनकी ये जो वैलिडेशन की डिजायर है, या कह सकता है इनका जो चीजों को कंट्रोल करने का तरीका है, यू नो ये पर्सन फिर आपको अप्रोच करेगा, क्योंकि आपकी इनकी जो पावर है वो आपके ही थ्रू आती है। आपकी ही पावर एक तरीके से इनकी पावर है, और यू नो आपसे दूर होना इस पर्सन को वीक और हेल्पलेस महसूस करवाता है। हालांकि ये बात शायद इन्होंने आपको कभी नहीं जानने दी। एस ऑफ सेप्टर्स का कार्ड यहाँ पे है। एस ऑफ सेप्टर्स एक तरीके के कह सकते हैं ब्लेसिंग के बारे में है, ओके। ये ब्लेसिंग ऐसी ब्लेसिंग है जिसको ये पर्सन जाने नहीं दे सकता। उन्हें पता है कि इस रिलेशनशिप में आप दोनों ने बहुत ज़्यादा एफर्ट किया है, एंड स्पेशली आप एक ऐसे पर्सन हैं जो उनके हर तरीके के बिहेवियर को टॉलरेट करते आए हैं, और वो अब सोच रहे हैं कि क्या उन्होंने बाउंड्रीज क्रॉस की है, क्या उन्होंने कुछ ऐसा कहा है जो उन्हें नहीं कहना चाहिए था। तो यहाँ पे लग रहा है कि कम्युनिकेशन का कुछ प्रॉब्लम है, एंड उसे अगर आप लोग सॉल्व करें तो चीज़ें बहुत सारी क्लियर हो जाएंगी। बट अपने इंट्यूशन को इग्नोर मत कीजिए। अगर आपको लगता है कि ये पर्सन आपको वो इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा जो आप डिजर्व करते हैं, तो इस सिचुएशन से खुद को दूर रखना ही अच्छा है। चलिए देखते हैं कि आपके लिए ओरेकल मैसेज कैसा है। मास्टर बुद्ध, इंक्रीज्ड अवेयरनेस, डीप कनेक्शन, ट्रस्ट योर इनर वॉइस। तो बुद्ध आपसे कह रहे हैं कि आपकी जो अवेयरनेस है वो बहुत बढ़ चुकी है, और आपके लिए जरूरी है कि
आप डीपली अपने सोर्स से कनेक्टेड रहें, अपने इनर वॉइस को सुनिए, अपने स्पिरिट गाइड को सुनिए एंड उसके हिसाब से ही फैसला लीजिए अगर आपको कुछ ना समझ आए तो. तो ये है रीडिंग इस वीक की. आई होप आपको अच्छी लगी होगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग. टिल नेक्स्ट वीडियो. बाय.